कठ उपनिषद में नचिकेता को सबसे पहला साधक बताया गया है। नचिकेता मृत्यु का भेद जानने के लिए यम के द्वार तक पहुंच गया था। जानते हैं नचिकेता के प्रश्न और यम के उत्तर के बारे में। नचिकेता को दुनिया का पहला जिज्ञासु माना जाता है, कम से कम पहला महत्वपूर्ण जिज्ञासु। एक उपनिषद भी उससे शुरू होता है। नचिकेता एक छोटा बालक था। उसके पिता ने एक यज्ञ करने की शपथ ली थी। यह एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान था जिसमें उन्हें अपनी सारी सांसारिक संपत्ति, अपना घर, अपना सारा सामान, यहां तक कि अपनी पत्नी, अपने बच्चे यानी अपना सब कुछ ऋषियों, ब्राह्मणों और दूसरे लोगों को दान में दे देना था। इस तरह के यज्ञ से आप आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसा साधन है जिसे पारंपरिक रूप से रचा गया है। कुछ लोग आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इस तरह का शपथ लेते हैं। नचिकेता के पिता ने यह शपथ ली और उन्होंने अपनी सभी बीमार गाय, बेकार संपत्ति और जिन चीजों की उन्हें जरूरत नहीं थी, जो किसी न किसी रूप में उनके लिए बोझ थी, वे सब दान में दे डाली। उन्होंने खूब दिखावा किया, मगर जिन चीजों की उन्हें वाकई जरूरत थी, जैसे अपनी दोनों पत्नियों और बच्चे को, उनको उन्होंने अपने पास ही रखा। नचिकेता को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि उसके पिता ने ईमानदारी नहीं दिखाई। उसके पिता ने शपथ ली थी कि वह सब कुछ दान करके आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करेंगे, मगर उन्होंने चालाकी की। नचिकेता अपने पिता के पास गया और इस बारे में उनसे बात करने लगा। उसकी उम्र उस समय सिर्फ 5 साल की थी, मगर उसमें असाधारण समझदारी थी। नचिकेता ने अपने पिता से कहा, आपने ठीक नहीं किया। अगर आप सब कुछ देना नहीं चाहते थे तो आपको यह शपथ नहीं लेनी चाहिए थी। एक बार शपथ लेने के बाद आपको सब कुछ दे देना चाहिए। मुझे बताइए कि आप मुझे किसको दान करने वाले हैं। उसके पिता क्रोधित हो गए और बोले, मैं तुम्हें यम को देने वाला हूं। यम मृत्यु के देवता होते हैं। बालक ने अपने पिता की बात को बहुत गंभीरता से लिया और यम के पास जाने के लिए तैयार होने लगा। फिर वह यम के पास चला गया। यह मत सोचिए कि वह कैसे गया होगा, शरीर के साथ या शरीर छोड़कर, मुद्दा यह नहीं है, बस वह यम के पास चला गया। यम उस समय यमलोक में नहीं थे, वह घूमने गए थे। उन्हें घर घर जाना पड़ता है, तो वह घूमने गए हुए थे। नचिकेता पूरे 3 दिन तक इंतजार करता रहा। एक छोटा सा बालक भोजन पानी के बिना यम के द्वार पर इंतजार करता रहा। 3 दिन बाद यम लौटे तो उन्होंने पूरी तरह थके और भूखे, मगर पक्के इरादे वाले इस छोटे से बालक को देखा। वह बिना हिले डुले वहां बैठा हुआ था। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भी नहीं गया था। वह बस वहां बैठकर यम की प्रतीक्षा कर रहा था। यम इस बालक के पक्के इरादे से बहुत प्रभावित हुए, जो 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा था, वह भी बिना कुछ ग्रहण किए। वह बोले, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम 3 दिन से मेरा इंतजार कर रहे हो। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं, बताओ तुम क्या चाहते हो। नचिकेता ने सबसे पहले कहा, मेरे पिता बहुत लालची है, वह सांसारिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, इसलिए आप उन्हें सारे भौतिक ऐशो आराम का आशीर्वाद दे, उन्हें राजा बना दीजिए। यम ने कहा, तथास्तु। उसने दूसरा वरदान मांगा, मैं जानना चाहता हूं कि मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए
किस तरह के कर्मों और यज्ञों को करने की जरूरत है। वैदिक साहित्य में हमेशा यज्ञों की बात की जाती है। सारा वैदिक साहित्य ऐसा ही है यज्ञ के बारे में। यम ने उसे सिखाया कि उसे क्या करना चाहिए। फिर नचिकेता ने उनसे पूछा, मृत्यु का रहस्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है। यम ने कहा, यह प्रश्न तुम वापस ले लो, तुम मुझसे और कुछ भी मांग लो। तुम चाहे तो मुझसे एक राज्य मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं तुम्हें धन दौलत दे सकता हूं, मैं तुम्हें दुनिया के सारे सुख दे सकता हूं। वह बोलते रहे, तुम मुझे बताओ क्या चाहते हो। तुम मुझसे दुनिया की सारी खुशियां ले लो, मगर यह प्रश्न मत पूछो। नचिकेता ने कहा, इन सब का मैं क्या करूंगा। आप पहले ही मुझे बता चुके हैं कि यह सब चीजें नश्वर है। मैं पहले ही समझ चुका हूं कि सारे क्रियाकलाप, लोग जिन चीजों में संलिप्त है, वे सब अर्थहीन है। वह सिर्फ दिखता है, वह हकीकत नहीं है। फिर मुझे और धन दौलत देने का क्या लाभ। वह तो मेरे लिए सिर्फ एक जाल होगा, मैं कुछ नहीं चाहता। आप बस मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। यम ने इस सवाल को टालने की हर संभव कोशिश की। वह बोली, देवता भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नचिकेता ने कहा, अगर ऐसा है, अगर देवता भी इसका उत्तर नहीं जानते और सिर्फ आप जानते हैं, तब तो आपको इसका उत्तर देना ही होगा। उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। यम एक बार फिर उसे वहीं छोड़कर महीनों के लिए घूमने चले गए। वह किसी तरह सिर्फ इस बालक से पीछा छुड़ाना चाहते थे, मगर बालक कई महीनों तक वहीं डटा रहा। कहा जाता है कि यम के द्वार पर ही उसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसे अस्तित्व के सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए और उसने खुद को विलीन कर दिया। वह प्रथम जिज्ञासु था, इसलिए हमेशा उसे एक आदर्श की तरह प्रस्तुत किया जाता है। उस तरह का पक्का इरादा रखने वाला 5 साल का बालक, जो चॉकलेट या डिज्नीलैंड की यात्रा जैसे लालच में नहीं पड़ा, वह सिर्फ ज्ञान चाहता था। इस तरह के व्यक्ति के लिए किसी तरह के मार्ग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मंजिल यही है। वेलंगिरी पहाड़ियों की चोटी पर नहीं है। जब मंजिल यहां नहीं होती, तब वह वेलंगिरी पहाड़ियों पर होती है और हमें धीरे धीरे उन पर चढ़ना पड़ता है। जब आप नचिकेता की तरह होते हैं, तो आपको किसी मार्ग की जरूरत नहीं होती। सब कुछ यही मिल जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। यहां हम जो कुछ कर रहे हैं, इसका पूरा मकसद उस तीव्रता को पैदा करना है। इच्छा को इतना प्रबल और शक्तिशाली होना चाहिए कि ईश्वर आपसे दूर न रह सके और दिव्यता आपको नजरअंदाज न कर पाए। ऐसा नहीं है कि दिव्यता आपको नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, मगर आपका मन और अहम लाखों अलग अलग तरीकों से वास्तविकता पर पर्दा डालकर उसे आपकी आंखों से ओझल करने की कोशिश करते हैं। चाहे आप कर्म के पथ पर चले या ज्ञान, क्रिया या भक्ति के पथ पर, आपकी तीव्रता ही आपको इन रास्तों पर आपको आगे बढ़ाती है, न कि खुद ये रास्ते। अगर तीव्रता न हो तो कोई क्रिया कुछ नहीं कर सकती। जब तीव्रता इन क्रियाओं में आ जाती है, तो उनमें आपको एक अलग आयाम तक ले जाने की शक्ति होती है। यानी यह क्रिया नहीं है जो आपको रूपांतरित करती है, बल्कि आपकी तीव्रता आपको रूपांतरित करती है। जब आप में यह तीव्रता होती है, तो क्रिया एक जबरदस्त सहारा है जो उस तीव्रता को और बढ़ाता है। क्रियाओं का सारा मकसद यही है। चाहे आप किसी भी मार्ग पर भी चले, पथ का अनुसरण आपको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करा सकता, जब तक कि आपके अंदर वह तीव्रता ना हो। अगर आप आधे दिल से किसी से प्रेम करते हैं,
तो वह प्रेम नहीं है। प्रेम या तो 100% होता है या बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है कि आप किसी से 99% प्रेम करते हैं तो आपने प्रेम को जाना ही नहीं है। किसी भी तरह के क्रियाकलाप पर यही बात लागू होती है। अगर आप कोई कार्य 100% नहीं करते तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। ज्यादा से ज्यादा वह आपका पेट भर सकता है। जब तक कि आप कोई काम 100% न करें वह आपको रूपांतरित नहीं कर सकता। जब तक कि आपका प्रेम 100% न हो वह आपको रूपांतरित नहीं कर सकता। वह लेन देन की तरह कुछ पाने का एक जरिया हो सकता है, मगर अस्तित्व के अर्थों में उसका कोई मूल्य नहीं है। धन्यवाद।